भोग ब्लॉक के ग्राम सुपेबेड़ा के किडनी पीड़ितों से आज राज्यपाल अनुसुईया उइके मुलाकात करेंगे और वहां के ताजा हालात की जानकारी लेंगे। दौरे के बाद राज्यपाल इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे। नक्सल क्षेत्र होने से पुलिस काफी सतर्क है क्योंकि राज्यपाल का काफिला सड़क मार्ग से जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर फोर्स की तैनाती की गई है। राज्य बनने के बाद ये दूसरा अवसर है जब राज्यपाल जिला मुख्यालय पहुंचेंगी। राज्यपाल रायपुर से देवभोग करीब 240 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और वे ये 22 की तारीख को सुबह 8 बजे राजभवन से प्रस्थान कर 10 बजे सर्किट हाउस गरियाबंद पहुंचेंगी। इस दौरान उनके साथ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहने वाले हैं। यहां के किडनी प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगी और आपको बता दें कि यहां किडनी की बीमारी से कई लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। तो कुल मिलाकर जायजा तो लिया ही जाएगा लेकिन क्या बेहतर कार्य किए जा सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उस पर भी मंथन होगा। और हेमंत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। हेमंत, जैसा कि अनुसुईया उइके जल्द ही किडनी प्रभावित लोगों से मिलने के लिए जाएंगी, कितनी उम्मीदें वहां के लोगों ने लगाई हैं और क्या लगता है क्या कुछ बदलाव हो पाएगा? देखिए, कुछ दिन पहले राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये चिंता जताई थी कि जिस तरीके से सुपेबेड़ा में हालात बिगड़ रहे हैं, लाख सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद जहां मौत का आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, फिर दो मौतें सरकार में हुई है, तो ऐसे में वहां के हालात किस प्रकार है, क्या वहां पर चीजें की जानी चाहिए, इसको वहां पर राज्यपाल श्री अनुसुईया उइके जाकर देखेंगे। उनके साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव वो भी साथ में जाएंगे और वहां पर वो जो किडनी रोग प्रभावित हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे और उनसे क्या समस्याएं उनकी है उसको लेकर उनसे बातचीत तो उनकी होगी। इसके अलावा जो वहां पर लोकल बॉडी है, जिला अधिकारी वहां पर जिला प्रशासन की बैठक वो लेंगे और सख्त निर्देश वहां पर देती नजर आएंगी क्योंकि काफी हालत वहां पर बिगड़ते जा रहे हैं। अभी तक ये सरकार पता नहीं कर पाई है कि आखिरकार जो ये चीजें हो रही है, जो किसी की खराबी हो रही है, वो आखिरकार उसका ठोस कारण क्या है। पिछली सरकार के दौरान भी ये चीजें पता नहीं लगा पाई थी। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर थे, वो उन्होंने भी दौरा किया था लेकिन गौरतलब है कि अनुसुईया उइके जी काफी वक्त से कहती आई हैं कि मैं जल्दी वहां पर जाऊंगी, लोगों से मिलूंगी और साथ में इस बार वो टीएस सिंहदेव को लेकर के जा रही हैं। तो क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है, क्या पुख्ता तौर पर अब इंतजाम की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री दोनों एक साथ वहां पर जा रहे हैं, राज्यपाल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, राज्यपाल को वहां की जो गतिविधियां हो रही है, किस प्रकार से सरकार द्वारा काम वहां पर किया जा रहा है उसको लेकर वहां पर उनको वो पूरा कामों से अवगत कराएंगे। लेकिन सुश्री अनुसुईया उइके ने पहले ही कहा था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मांग की थी कि तमाम चीजों को लेकर जो केंद्र सरकार है कुल मिलाकर अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि अब जब राज्यपाल मिलने के लिए जा रही है वहां के लोगों से और साथ में स्वास्थ्य मंत्री भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है कि कुछ अच्छा वहां के लोगों को मिल सकता है और कम से कम हालात बदलेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए हेमंत।